नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कनेर फाटा विरार तोड़क कार्रवाई को लेकर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। कल के मेरे वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से वहां पर तोड़क कार्रवाई के बाद में क्या हालात है, किस तरह से मलबे में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तबाही का मंजर जो दिखाया था कल मैंने, तब मैंने उस वीडियो में कुछ कहा था कि इस मामले में कई ऐसे पहलू है जो अभी तक सुलझे नहीं है और जिन पहलुओं पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूं, इसके पहले एक वीडियो जरूर आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो आप देखिए, ये जो स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं अपनी बात आगे करता हूं। साथ ही साथ इस मामले में बोईसर विधायक की क्या कुछ भूमिका है, उसको लेकर भी मैं कुछ बात करना चाहूंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, इसे आप अंत तक जरूर देखें। अगुवाई करेंगे लोग, मजबूती रहेंगे, पुलिस वाले के लोग भाग जाएंगे। नहीं नहीं, खड़े रहेंगे सवाल करना है, एक करेंगे ना, जाम पीछे आगे दूर कर देते हैं। सुबह हो गए 10 बजे, वो लोग चार घाटे पे आने वाले, बैठेंगे तो पूरे उधर ही जाम में अटक जाएंगे। उनका जेसीबी आ रहा है विरार से, तीनों जेसीबी वहाँ पे खड़ा है, निकल गया होगा 10 बजे, यहाँ पहुँचने बोला है। जेसीबी भी उधर जाम में अटकना चाहिए, रोड पूरा जाम, रोड जाम, अरे उनके जेसीबी जाम में अटक जाएगा। रोड पे चलो, रोड पे पूरा रोड, पूरा चलो, पूरा रोड पे, रोड पे आगे चलो, आगे इसे मत जाने दो। करो सही बोल रहे, सभी सब अक्कल दिखाने आएगी सबकी। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, रोड पे चलो, जम रोड पे, रोड पे जान दो। हम नेशन के लिए रोड पे जान दो ना, रोड पे जान दो, रोड पे, रोड पे सेठ बोल दिए, रोड रोड पे जान दो, रोड पे जान दो, रोड पे चलो। तो ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने बांध काम किया, हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन प्रशासन को कार्यवाही पे आने से रोकने के लिए आप रोड को जाम करो, यानी कि सीधे सीधे तौर पर लोगों को उकसाया जा रहा है। इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर कई चीजें वायरल होती है और यह भी वीडियो इसी तरह से वायरल वीडियो होते हुए हमारे पास तक पहुंचा है। लेकिन यह वीडियो, जहां तक जानकारी सूत्रों से सामने आई है, यह वीडियो पहले दिन की कार्यवाही के दिन का है। उस समय कार्यवाही को जब प्रशासन निकला था, प्रशासनिक अमला, उसके पहले लोगों ने रोड जाम किया था, तो उस समय लोगों को भड़काया जा रहा था। इस वीडियो में साफ सुन सकते हैं इस तरह की बातें जारी है कि आप सड़क जाम कर दो,
बुलडोजर को आने ही ना दो, इस तरह की बातें इस वीडियो में कही जा रही है। जो मैंने अपने इससे पहले की वीडियो में कहा है कि बिल्डर जो बनाकर बेचकर निकल गए उन पर कोई क्यों बात नहीं कर रहा है। यहां सिर्फ दो ही पक्ष को दिखाया जा रहा है, एक प्रशासन जो तोड़ रहा है, एक जिसका टूट रहा है वो पीड़ित। लेकिन बीच की जो अहम कड़ी है जिसने बनाया है, बिल्डर जिनको यह मालूम था कि यह सरकारी जमीन है, फिर भी अतिक्रमण उन्होंने किया और न सिर्फ बनाया बल्कि बेच के पैसा कमाया, उन लोगों का जिक्र कोई नहीं कर रहा है। पुलिस ने भी सिर्फ यह आह्वान किया कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट लेके आए, लेकिन जनता जब अपना डॉक्यूमेंट लाएगी तो लाएगी। ये वीडियो सामने आया, हम इस वीडियो के माध्यम से पुलिस प्रशासन द्वारा ये मांग करना चाहेंगे कि इस वीडियो की जांच पड़ताल की जाए और इस वीडियो की सच्चाई के आधार पर अगर ये वीडियो सच है तो इस तरह से उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। ये पहले दिन का वीडियो है जिस दिन इतना उकसाया गया, लेकिन पब्लिक ने संयम बरता और किसी तरह की कोई घटना, अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन अगले दिन निकल गया होगा 10 बजे यहां पहुंच, जब प्रशासनिक अमला कार्यवाही को गया तो क्षेत्रवासियों ने पत्थरबाजी की। और यही चीज मैंने कल भी बोला था कि ऐसी क्या नौबत आई कि पत्थरबाजी की गई। तो जाहिर सी बात है, जब पहले दिन ही सबको भड़काया जा रहा था, जब कुछ नहीं टूटा था तब लोगों को भड़काया जा रहा था, तो जब बहुत कुछ टूट चुका था तो जाहिर सी बात है लोग बहकावे में आ ही गए। तो ये तो बात थी इस वीडियो की। मैं एक बार फिर कह दूं कि ये वीडियो है वो इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है। इस वीडियो की पुलिस को जांच करनी चाहिए और पुलिस प्रशासन चाहे तो ये पता लगा सकती है कि वीडियो किसने शूट किया, कहां से हुआ और किस तरह से ये काम बखूबी किया जा सकता है, तो पुलिस को वो करना चाहिए। दूसरा, जो मैं अपनी वीडियो में आगे मैंने कहा कि बोईसर विधायक की भूमिका की मैं बात करना चाहूंगा। पहले दिन कार्यवाही हुई, किसी भी जनप्रतिनिधि ने इन जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा। फिर अगले दिन कार्यवाही हुई, पथराव हुआ, कार्यवाही रुक गई, फिर माहौल बना, फिर उसके अगले दिन पुलिस क्षेत्र में जाती है, लोगों को चिन्हित करती है जिन्होंने पथराव किया और उनके ऊपर पुलिस या कार्यवाही की शुरुआत होने की भनक लगती है, तब कहीं जाकर हार्ट अटैक से एक मौत भी होती है। और उस दिन लोग इकट्ठा होकर एक बड़ी संख्या में लोग बोईसर विधायक राजेश पाटिल के ऑफिस तक जाते हैं। अब जिस समय ये लोग इकट्ठा होकर राजेश पाटिल के ऑफिस पर जा रहे थे, उस समय भले ही पुलिस प्रशासन को इन्होंने कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया था, लेकिन इस बात की जानकारी जब पुलिस प्रशासन को लगी तो पुलिस प्रशासन ने बकायदा इनके साथ राजेश पाटिल के ऑफिस तक जाकर वहां इनको ये कहा भी कि आपने इस तरह से एक मोर्चे के रूप में यहां पर आए बिना अनुमति के, यह गलत है। और वहां जाकर राजेश पाटिल से इन लोगों ने मुलाकात की, तब राजेश पाटिल, उनकी जबान लड़खड़ा रही थी बात करने में ही, उसके बाद फिर भी राजेश पाटिल ने डैमेज कंट्रोल करने के नाम पर शाम को विजिट किया घटनास्थल का, और वहां आकर राजेश पाटिल ने इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया या नमक छिड़का, यह समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वहां का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में राजेश पाटिल प्रशासन की कार्यवाही को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन उसमें साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि आपको जबरदस्ती दिया गया नहीं है, आपने खरीद के लिया है। तो यह जो उनके वर्ड है, इसके संदर्भ में है, ये राजेश पाटिल को खुलासा करना चाहिए। देखिए आगे के वीडियो में राजेश पाटिल के यहां लोग गए तो क्या कुछ हुआ। वीडियो काफी लंबा है लेकिन अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी घटना समझ में आएगी। राजेश पाटिल ने वहां जाकर क्या कुछ कहा वो भी इस वीडियो में आगे है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। ईश्वर पाटिल या जो भी आपके पास जिन्होंने आपको फंसाया है, जिन्होंने आपको चीट किया है, उसके खिलाफ आप गुनाह दाखिल कर सकते हो।
अरे समझ रहे हो, उनके ऑफिस में जाने के लिए रोकथाम नहीं है, उनके ऑफिस में जाओ, उनके घर पे जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको फंसाया गया है तो आपको न्याय मिलना जरूरी है। आज आपके बच्चे, बाल बच्चे आज रस्ते पे आ गए ये सब हरकतों की वजह से। बिल्कुल सर, तो आपको न्याय मिलना जरूरी बिल्कुल, है बिल्कुल। उस दिन भी आपको बोल रहे थे कि आप पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल कर दो, हम कार्रवाई करेंगे, कानूनन कार्रवाई करेंगे। रही बात इस तरह से रस्ते पे जाने की और आने की, आप पुलिस से परमिशन ले लीजिए और आप मोर्चा निकालना है कानूनन, जो भी आप आपको परमिशन लेना पड़ेगा, कानून का राज है, कानून चलेगा। इस तरीके से आप रस्ते पे खड़े मत रहो, अंदर आ जाओ और किसी पब्लिक को, किसी को आने जाने वाले को तकलीफ नहीं हो, जिसका आप प्रिकॉशन ले लीजिए। जिन्होंने आपको किसने गोली मारी है, वहाँ पे एक बुजुर्ग सर है, 12 साल की लड़की है, गाय है, ना माँ है ना बाप है। एक 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 ये भी बोलो, एक एक सब परिवार वाले तीन बच्चे लेके आपसे तीन दिन से रोड पे सो रहे हैं। अभी आप तुम्हें कोणाला भेटायल चलले, जो वहाँ पे विधायक जी है उनसे मिलने जा रहे हैं। विधायक जी से मिलाई है, विधायक है क्या वहाँ पे? हाँ है, बुलाया है उन्होंने, बोले आ जाओ वहीं पे। तो आप एकदम सही लाइन से चले जाओ, नारेबाजी नहीं और रास्ता विस्ता नहीं रोक रहे, उसको सामान निकालने का मौका नहीं दिया जा रहा है, आधा सामान उसका उसके अंदर ही तक जा रहा है। अपना जिंदगी यहाँ बिता रहा है नॉर्मल आदमी, कोई पैसे वाला तो आदमी रहेगा नहीं, 10,000-5,000 का नौकरी करने वाला आदमी जैसे तैसे 2,000-4,000 बचा के अपना जीवन व्यतीत कर रहा, उसका सामान तोड़ दिया जाए, क्या मतलब है? अगर कानूनन अपराध है या कोई भी अनलीगल चीज़ है तो पहले रोका जाए, किसे बनाया मत जाए, 4-5 साल रहने के बाद में उसका तोड़ दिया जाए, फिर बोलो बिल्डर का गलती है, बिल्डर भाग जाएगा, हम कहाँ भाग के जाएंगे? देखिए अगर हम बनाए वाले ये है तो अगर कोई रोका नहीं, हम 4 साल रहे तो हम बिल्डर की गलती कैसे दे सकते हैं? अगर निकल तो उसी टाइम रोकना चाहिए, अगर उस टाइम रोका जाता तो दूसरा आदमी लेता नहीं था, बोर्ड लगता तो लेता नहीं था। अब उसका कुछ ऐसा हो कि जो भी है कि किसी का, गरीब का ऐसा नुकसान हो, जो टूट गया दूसरा ना टूट नहीं पावे, उसमें आज एक आदमी मर गया, हार्ट अटैक हो गया, लोग डरे हैं अभी जीसीपी आएगा तोड़ देगा। उम्मीद रखता हूँ हमारा गरीब का न्याय दाता, आप ही माई बाप है, आप ही सब कुछ, बस इसके सब हमारा और कुछ भी कहना है, कुछ नहीं। सर यांनी मी पर्याय सांगितला की ज्यांनी रुक जाईया पोलीस प्रशासन सांगितलं, मला वाटत असेल फसवणूक झालेली, ते विक्रेते आहेत, चाळ माफिया आहेत, त्यांच्यावर तुम्ही रुचसर गुन्हे दाखल करून टाका। आता तर त्या तहसीलदारांनी काम थांबवलं, कलेक्टर साहेबांनी काम थांबवलं, आता तर काय तोडणार नाही। आणि यांना आपल्याला तर विनंती अशी करावी लागेल की जी घरपट्टी वगैरे घेतली जाते ती काय अधिकृत घराचा पुरावा नाही, इलेक्ट्रिसिटी पाणी वगैरे दिलं जातं ते त्या नागरी सुविधेचा भाग आहे, त्याला देणं भाग आहे, पाणी वगैरे देणं भाग आहे, पण याच्या पलीकडे ते काही पुढे वाढणार नाही याची काळजी आपली पूर्ण प्रशासनाला घ्यावी लागेल। जेवढं आहे तेवढं माणसानं राहू दे ना, पुढे नका बनवू ना नवीन, पण जेवढं आहे तेवढं आहे, काम प्रशासनाशी मी बोलतो, आपण सोबतच आहे, आज सेक्रेटरी त्यांना कोणी बोलवलं नाही, तुम्ही जेव्हा येणार आहे कळल्यानंतर तू स्वतःहून आले, कारण तर तुमचं दुखणं हे त्यांनाही कळते, त्यांच्यापुढे हात बांधलेले होते,
आता तुम्हाला माहिती नसेल तर तुम्हाला जसं त्या दिवशी मलाही फोन आला कालच, त्याप्रमाणे मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोललो, त्याप्रमाणे त्यांनी विनंतीला मान देऊन थोडं थांबवलं त्यांनी. मी अजूनही बोलतो त्यांच्याशी, अधिकाऱ्यांशी अजूनही बोलतो का हे थांबेल कसं, त्या पद्धतीने आपण प्रयत्न करू बरोबर. आणि जे यांनी सांगितलं साहेबांनी, ज्या लोकांनी आपल्याकडून आपल्याला जे रूम विकलेले आहेत त्यांची नावं तुम्हाला माहिती आहे, त्यांच्या नावाने अर्ज द्या ना. आमची फसवणूक केलेली आमच्याकडून एक इच्छा आहे, पैसे घेतलेले पैसे आम्ही, तुम्ही काय जबरदस्तीवर राहिलेले नाही, काही बांधले तीच घर तुम्ही घेतली, त्यांच्याकडे अर्ज पण द्या तुम्ही. अशा लोकांना अडकवलं ना तरच पुढे जाऊन ते बिन नकरी करणार नाही, त्यांना सवय पडले बांधायचं ना, नंतर तुमच्याकडून पैसे घ्यायचे आणि काय झालं का तुम्हाला समोर जावं लागतं. तर त्या बाबतीत मी एक जागेवर येतो, थोडा वेळ तुम्ही चला, मी येतो बघतो. अधिकाऱ्यांशी बोलतात पोलीस सोबत आपल्या राहतील, त्यांनाही विनंती करतो ना याच्या पुढे तुम्ही जाऊ नका, प्रशासनाशी बोलून मग ते कॉर्डिनेट करावं लागेल. शेवटी ते कायद्याने बांधलेले आहेत, ते आपले दुश्मन नाही. जर कोणी आदेश दिला यांच्यापेक्षा वरिष्ठांनी, त्यांना तो पाळावा लागतो आणि कायदा सुव्यवस्था टिकवणी दृष्टिकोन त्यांना तिथे उभं राहावं लागतं. त्यांनाही सोबत ठेवू आपण, त्यांच्याशी आता मुस्लिम दिल्ली चला, मी तुमच्या मागे येतो, आपण बघू, यांना घेऊन येतो आणि आपण बघू. माननीय विधायक जी आहे राजेश पाटील साहेब, ठीक आहे, सवेरे काफ़ी लोग आपके यहाँ के रहवासी उनको मिलने उनके ऑफिस में गए थे. माननीय विधायक साहब का बोलना यह है कि प्रशासन को ये काम रोकने के लिए उनसे बातचीत चालू है, वो बातचीत करके ये काम जितना भी टूट गया उतना भी रोकने का प्रयास करेंगे. आपके काफ़ी लोग उनसे रूबरू बात भी किए सुबह, वो भी आपको अभी संबोधित करेंगे. जो हुआ वो गलत हुआ है, लेकिन ये जगह जो है अभी सर ने बताया कि ये जगह खेडूत की जगह नहीं, गवर्नमेंट की जगह है. गवर्नमेंट की जगह पे जितने भी ये कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो इलीगल तरीके से, ये तो आपको मानना पड़ेगा. बहुत सारे लोग हमें बता रहे हैं कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है या घर पट्टी है. घर पट्टी का रूल ऐसा है कि घर पट्टी यानी आपका घर लीगल है, इसका कोई दाखिला नहीं है. वो गवर्नमेंट को ऐसे ग्राम पंचायत को उनका टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार है, उस पर वो इलीगल या लीगल ऐसे लिख के आपके पास से साल का 70 रुपया या 50 रुपया घर पट्टी वसूल किया जाता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि ये लीगल है. आप माननीय विधायक जी आपको बताएंगे, हम आपके दुश्मन नहीं है, हम शासन के मुलाजिम हैं, शासन का जो आदेश होगा वो हमें मानना पड़ेगा. हम आपसे और एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जब पुलिस कार्रवाई करने आएगी, सर तो रुकवा देंगे तो हम आएंगे नहीं, लेकिन जब महसूल जो भी डिपार्टमेंट कार्रवाई करने आएंगे तो उनको आपको सपोर्ट करना है, ना कि कोई पत्थरबाजी करके पकेड़ा खड़ा करना है. एक तो पहले ही आप लोग मुसीबत में हो, ऊपर से आपके ऊपर गुना बिना दाखिल हो जाएंगे, जो कमाने वाले आदमी हैं वो जेल वेल में चले जाएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी. मैं माननीय विधायक जी से विनती करूँगा कि फिर से आपको आपसे कुछ रूबरू बात करें. सबको नमस्कार. देखो अभी हमारे इलाके से जो किया है वापस, जिन्होंने आपको अच्छी तरह से समझाया किया है, कानून क्या है, कानून में क्या चलता है, कैसे आगे बढ़ता है, क्यों कार्रवाई हुई, थोड़ी कार्रवाई, उन्होंने विस्तार से आपको बता दिया. देखो आप लोग बहुत गरीब है, आपने यहाँ जो रूम लिया वो आपने जबरदस्ती को नहीं लिया, गरीब के लिए है, जिसमें आपका गरीब कोई है ही नहीं, ये सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है. लेकिन इस जगह के बारे में कोई कोर्ट में गया, कोर्ट का आदेश लाया और प्रशासन के ऊपर ये तोड़ो करके, इसकी वजह से महसूल डिपार्टमेंट ने पुलिस प्रोटेक्शन लेके थोड़ा कार्रवाई 2 दिन से चालू किया था. एक कल और परसों के दिन भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया था प्रशासन से, ज़्यादा लोगों को तकलीफ मत दो, गरीब लोग. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786